नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। मोदी सरकार ने जब से कश्मीर से धारा 370 को हटाया है, तभी से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के वीडियो जॉकी वकार जका ने वीडियो के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण पर अपनी भड़ास निकाली थी। वहीं अब लीजिए, वकार जका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक विवादित ट्वीट किया है, जिसके चलते भारतीय यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर डाला है। वकार जका ने ट्वीट कर लिखा, भारत को कश्मीर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वो दिल्ली भी छीन लेंगे। आपको बता दें, जैसे ही वकार ने ये विवादित ट्वीट किया, इसके बाद भारतीयों ने सोशल मीडिया पर वकार जका की जमकर क्लास लगा दी। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ रिएक्शंस। एक यूजर ने वकार जका को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि इन जोकर्स को देखो जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने वकार जका की सोशल मीडिया पर एक मजाकिया पोस्ट किया है। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गोद में बैठे हुए हैं और वो भीख मांग रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अबे उठ जा, तुम लोगों के पास टमाटर खाने के लिए नहीं है, लेकिन सपने टमाटर सूप के देखते हो। तो देखा आपने, वकार को ये विवादित ट्वीट करना काफी भारी पड़ गया है और भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तान को फिर से उसकी औकात दिखा दी है। बता दें कि जब से भारत ने धारा 370 को हटाया है, तब से पाकिस्तानी सरकार के साथ वहां की जनता भी बौखलाई हुई है और लगातार ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने यूएनएससी में भी चीन की सहायता से इस मामले को उठाया था, लेकिन वहां भी चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। We'll be right back.